प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ परसेंटेज पार्ट 30। क्वेश्चन क्या है कि एक शंकु यानी कोन की त्रिज्या यानी रेडियस में 10% की वृद्धि यानी इंक्रीज कर दी गई, जबकि उसकी हाइट में 20% की कमी यानी कि डिक्रीज कर दी गई, तो उसके आयतन में यानी वॉल्यूम में परसेंटेज वृद्धि या कमी बताइए। देखिए, ये आपका कोन है, ये स्लेंट हाइट है, ये हाइट है, ये रेडियस है, उसकी वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। तो हम कौन सा किसके गुणा करेंगे, तो कांस्टेंट वैल्यू 1/3 पाई को खत्म करके 2 बार आर में और 1 बार एच में। तो रेडियस में 10% की वृद्धि होती है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, और हाइट में 20% की डिक्रीज होती है, 1/5 मतलब वो हो जाती है। तो अब यहाँ पर अगर मान लीजिए 10 है तो एक वृद्धि करेगी तो ये 11 हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी अगर ये 5 है तो एक कम होगा तो ये 4 हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये जो आएगा आपका आ जाएगा 500 आ जाएगा, और ये जो आ जाएगा आपका आ जाएगा 484 आ जाएगा। कितना कम हुआ है, ये 16 कम हुआ है, किसमें से 500 में से। अगर गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी 3.2% की कमी आएगी। कैसी लगी ट्रिक? थैंक यू।